आईसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनीष भारद्वाज, फैकल्टी ऑफ आईसेट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि VV.NET में कोई प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हमने ये देखा था कि कोई अगर मैसेज लेना हो आपको अपने फॉर्म में तो आप कैसे लोगे, उसमें सिर्फ इतना ही था। लेकिन आज हम कंप्लीट एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो किसी भी प्रोग्राम को समझने के लिए एक एग्जाम्पल की ज़रूरत होती है। तो आज हम बनाने वाले हैं किसी भी दो नंबर का टोटल करने का प्रोग्राम VV.NET में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें लेना होगा एक लेबल। लेबल लेने का तरीका मैंने बता दिया था आपको। लेबल लेने के साथ साथ आपको इसमें लेना होगा दो टेक्स्ट बॉक्स, ताकि आप इसमें दो नंबर टाइप कर सको। आपको लेना होगा एक और लेबल आउटपुट के लिए, कि यदि ये दोनों का टोटल हो तो किस पे दिखाए। तो उसके लिए और यहां पर एक बटन। ठीक है, अब इस पे मुझे मैसेज लिखना है, लेकिन उससे पहले मुझे इसके फॉन्ट को बड़ा करना होगा। तो एक चीज़ ये भी है कि अगर आप मान लो एक एक लेबल सेलेक्ट करोगे तो आप कब तक करते रहोगे यही चीज़। जैसे कि ये फॉन्ट है, अब मैं एक सेलेक्ट किया, यहाँ से फॉर्म को सेलेक्ट किया, यहाँ देखो ये मैंने ये फॉन्ट चेंज किया इसका, तो ये केवल एक का ही हुआ। इसी तरह से मुझे सबका करना पड़ेगा। तो अगर आप ये चीज़ नहीं करना चाहते हो, आप कोई ऐसा तरीका अपनाना चाहते हो जिससे कि आप एक साथ सभी लेबल का, मतलब इस फॉर्म पे जितने भी आपने कंट्रोल लिया है उन सभी का एक साथ आप फॉन्ट चेंज कर सको, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पूरे फॉर्म को सेलेक्ट करना होगा। तो फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद जो है आप फॉर्म पे जाओगे फॉन्ट में। अब यहाँ से आप इसको करो, ये देखो एक साथ सबका हो गया। तो अब हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि काफी बड़ा हो गया है ये। ये जो लाइनिंग बन रही है ये इसके अलाइनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी लाइन को आप ध्यान में रखते हुए किसी फॉर्म को डिजाइन करोगे तो इससे क्या होगा कि आपका अलाइनमेंट नहीं बिगड़ेगा। ये देखो हो गया। अब इस पे मैसेज चेंज करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, इंटर एनी फर्स्ट नंबर, और इस पे क्या, इंटर एनी सेकंड नंबर, और ये हमारा किसके लिए है, टोटल। और इस पर मुझे मैसेज की ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ से मैसेज को क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। मतलब ये लेबल फोर रहेगा लेकिन उस पर जो लेबल फोर लिखा है मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से टेक्स्ट से इस मैसेज को डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो जा करके, देखो लेबल फोर आपको है, यहाँ मौजूद है। ठीक है, इसको ऐड।
रन करते हैं। टेन ट्वेंटी, तो जब हम ये दो अलग अलग नंबर दे दिए तो उसके बाद अगर हम इस बटन पर क्लिक करें तो लेवल फोर पे इसका ये दोनों नंबर का टोटल आना चाहिए, लेकिन अभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ अभी फॉर्म डिजाइनिंग की है, उस पर कोडिंग नहीं की है। और किसी भी प्रोग्राम में अगर आप कोडिंग नहीं करोगे तब तक वो आपका काम पूरा नहीं होगा। तो पहला काम तो हो गया फॉर्म डिजाइनिंग का, अब दूसरा काम करना है क्या, इस बटन पे कोडिंग। इस बटन पे कोडिंग हमें टोटल करना होगा, तो कोडिंग करने के लिए हमें इस बटन पे डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करते ही एक कोड विंडो ओपन होगा, इस विंडो कहते हैं कोड विंडो, जिस पे यूज़र कोडिंग करता है। अब कोडिंग में सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, डिम, डिम ए कॉमा बी एज इंटीजर, ए बराबर टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, बी बराबर टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट, देन लेबल फोर डॉट टेक्स्ट बराबर ए प्लस बी, ये इतना। अब इस कोड में देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, ये एक लाइन डिम मतलब डायमेंशनल। अगर आपको किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा तो आपको ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको लिखना होगा डिम, डिम लिखने के बाद आपको अपने वेरिएबल का नाम लिखना होगा। जैसे कि मुझे दो वेरिएबल चाहिए था, ए और बी। अब वेरिएबल क्यों चाहिए, वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल का मतलब ये है कि अगर आप अपने फॉर्म को रन कर रहे हो और रन करने के बाद ये जो आप जो भी नंबर लिख, जैसे मान लो आपने यहाँ 100 लिखा, अपने यहाँ 200 लिखा, तो ये 100 और ये जो 200 है ये कहीं स्टोर तो हो, तो इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल की आवश्यकता होती है। तो देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, डिम ए, और ए मतलब टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट बॉक्स वन में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो आपका ए नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। तो टेक्स्ट बॉक्स वन में हमने क्या लिखा है, 100। अब उसके बाद हमने बी नाम का वेरिएबल लिया है, किसके लिए, टेक्स्ट बॉक्स टू के लिए। तो टेक्स्ट बॉक्स टू में हमने क्या लिखा है, बी बराबर टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट। इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब ये होता है कि आप टेक्स्ट बॉक्स टू में जो कुछ भी लिखोगे वो सब बी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए में भी हमने 100 लिखा है और बी में हमने क्या लिखा, क्या स्टोर किया, 200। तो ए की वैल्यू हो गई 100 और बी की वैल्यू हो गई 200, और हमें लेबल फोर में देखना था इसका क्या टोटल। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, ये लाइन में क्या लिखा हमने, लेबल फोर डॉट टेक्स्ट बराबर ए प्लस बी। इसका मतलब ये है 100 प्लस 200 टोटल होगा, किस पे दिखा है, लेबल फोर पे, ये देखो 300 कंप्लीट। तो इसी तरह से आप बड़े ही आसान तरीके से vv.net में किसी भी दो नंबर के टोटल का प्रोग्राम बना सकते हो। यहां पर आप चाहो तो वैल्यू चेंज करके भी देख सकते हो, ये देखो। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में हम देखेंगे इसमें और भी कितने प्रकार के प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं और क्या क्या किया जा सकता है इसमें। तो धन्यवाद।